भारतीय संस्कृति में नवरात्रि में दुर्गा पूजन करने की प्रथा सदियों पुरानी है। साल भर मनाए जाने वाले सभी त्योहार जहां एक बार मनाए जाते हैं, वही नवरात्रि साल में दो बार आती है, जिसमें देवी पूजन और कन्या पूजन की महिमा है। आश्विन मास में आने वाले नवरात्रों को शारदीय एवं दुर्गा नवरात्रि तथा चैत्र मास में आने वाले नवरात्रे वासंतिक, राम एवं गौरी नवरात्रि कहलाते हैं। आज से चैत्र महीने की नवरात्रि शुरू होने जा रही है और 30 मार्च 2023 यानी गुरुवार के दिन इनका समापन होगा। चैत्र नवरात्रि से ही नए युग की शुरुआत हुई थी, इसीलिए संवत का आरंभ भी चैत्र नवरात्रि से ही होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का मुहूर्त इस प्रकार है, सुबह 6:45 से 7:31 तक, अवधि 46 तक की रहेगी। प्रतिपदा तिथि आरंभ 22 अप्रैल 2023 को सूर्योदय से लेकर समापन रात्रिकाल 8:23 तक रहेगा। अब जाने की विधि। कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहने। उसके बाद एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़े चावल रखें, एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर उस पर कलावा बांधें। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षर डालकर अशोक के पत्ते रखें। एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आह्वान करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। और भी ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ। भारतीय संस्कृति में नवरात्रि में दुर्गा पूजन करने की प्रथा सदियों पुरानी है। साल भर मनाए जाने वाले सभी त्योहार जहां एक बार मनाए जाते हैं, वही नवरात्रि साल में दो बार आती है, जिसमें देवी पूजन और कन्या पूजन की महिमा है। आश्विन मास में आने वाले नवरात्रों को शारदीय एवं दुर्गा नवरात्रि तथा चैत्र मास में आने वाले नवरात्रे वासंतिक, राम एवं गौरी नवरात्रि कहलाते हैं। आज से चैत्र महीने की नवरात्रि शुरू होने जा रही है और 30 मार्च 2023 यानी गुरुवार के दिन इनका समापन होगा। चैत्र नवरात्रि से ही नए युग की शुरुआत हुई थी, इसीलिए संवत का आरंभ भी चैत्र नवरात्रि से ही होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का मुहूर्त इस प्रकार है, सुबह 6:45 से 7:31 तक, अवधि 46 तक की रहेगी। प्रतिपदा तिथि आरंभ 22 अप्रैल 2023 को सूर्योदय से लेकर समापन रात्रिकाल 8:23 तक रहेगा। अब जाने की विधि। कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहने। उसके बाद एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़े चावल रखें, एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर उस पर कलावा बांधें। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षर डालकर अशोक के पत्ते रखें। एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आह्वान करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। और भी ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।